दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर कुछ एडवोकेट एवं अन्य लोग इंदौर के फेमस मधुराम सैंडविच को बंद करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन इसी दौरान मधुराम सैंडविच के संचालक और एडवोकेट ने ऑर्डर पर कई बिंदुओं को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई और पूरे मामले को लेकर पुलिस और रोहिणी कोर्ट के समक्ष जवाब देने की बात कही। इंदौर अपने खान पान के लिए देश भर में फेमस है और देश के अलग अलग शहरों के लोग यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के स्वाद को टेस्ट के लिए रोज़ाना आते हैं। वहीं इंदौर में सैंडविच को लेकर यदि किसी का नाम आता है तो सबसे बड़े सैंडविच के रूप में मधुराम सैंडविच का नाम देश भर में इंदौर को एक अलग पहचान दिलाता है। लेकिन मधुराम सैंडविच के नाम को लेकर मधुराम स्वीट्स और मधुराम सैंडविच के चालकों के बीच विवाद सामने आया है और बुधवार को कुछ एडवोकेट रोहिणी कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर मधुराम सैंडविच की दुकान को बंद करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन इसी दौरान मधुराम सैंडविच के संचालकों ने कोर्ट के ऑर्डर को लेकर कई तरह की आपत्ति दर्ज करवाई। आदेश को लेकर उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से कई तरह के तर्क भी दिए। उनका कहना था कि ऑर्डर पर कई तरह की बातों का जिक्र है, साथ ही जिस तरह से साइन है वह साइन भी संदिग्ध लग रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर वह कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। कानूनी दस्तावेजों को ला के यहाँ प्रकाशित किया है। मुझे बड़ा शर्म लग रहा है कि एक रोहिणी कोर्ट के जिला जज विनोद यादव जी के फर्जी साइन बना के, जो उनके साइन भी नहीं है, और इनकी मधुरम दुकान को बंद करने के लिए मधुरम स्वीट ने बड़ा षड्यंत्र रचा है। उस षड्यंत्र के तहत मधुरम सैंडविच के लिए कुछ नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब जी डिफेमेशन का मुकदमा करेंगे, डिफेमेशन का मुकदमा करेंगे। हमारे ऊपर फर्जी जितने भी एलिगेशन लगाए गए उनका जवाब हम रोहिणी कोर्ट में और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी जाके देंगे। जी बिल्कुल, जो न्याय प्रक्रिया होगी उसको हम पूर्ण अपना फॉलो करेंगे। आपका नाम बताइए सर। कुछ जूनियर वकील थे, नए लड़के जो होते हैं, और एक वकील साहब थे जो कि एक नोटिस लेकर के आए जो कि उन्हीं के हाथ का बना हुआ था, उसमें जज साहब की साइन भी नहीं थी। उन्होंने फर्जी साइन एसडी करके कर रखी थी जिसमें कि जज साहब की साइन भी नहीं थी। वो साइन लेकर के आए, आते से हमें बोल दिया कि तुम तुम्हारा धंधा बंद करो, तुम्हारी दुकान बंद करो, तुम शटर गिराओ और तुम्हारा सारा माल हम लोग जब्त करेंगे। तो मैंने कहा भैया इसके लिए एक नोटिस दिया जाता है, हमें पहले बोला जाता है, आप डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे और 10-20-25 ऐसे जूनियर वकील लड़कों को लाके खड़ा कर देंगे और दबाव बनाएंगे। और नाम को लेकर आप सर, हम लोग मधुरम सैंडविच है, भगवान का आशीर्वाद है, देश और दुनिया में प्रभु की कृपा से इंदौर को हम सैंडविच के नाम पर रिप्रेजेंट करते हैं। और मधुरम स्वीट्स वाले जो हैं, जो कि सालों से मिठाई बेचते हैं, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किए हुए हैं, हम भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन वो लोग हमारे यहाँ पर इस प्रकार से फर्जी तरीके से टीम भेज दी, जज साहब की फर्जी साइन करके भेज दिया पूरी तरीके से फर्जी। जी सर, हम पुलिस को भी शिकायत करेंगे, जैसा हमारा वकील साहब कहेंगे हम उस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।